ये रहा भाई हमारा रजिस्टर, और इसमें मैंने आधा काम तो कर दिया है, आधा दीदी लोगों ने कर दिया था, और हमारे वेदांत सिंह मजे से यहाँ पे बातें करने पे लगे हैं। हाँ वेदू, ए नाना, तो भाई फुकान सिंह की जो पानी पीने की आदत है वो काफी ज्यादा स्लो है, मतलब आप बहुत हैं गौशाला की तरफ। सासू जी ने भैंस बाहर निकाल के देना है और उसके बाद ये जा रहेंगे झंगोरे की कटाई करने, यानी कि झंगोरे। वैसे आपकी रेखा ब्लॉगर के पास यहाँ एक रजिस्टर है जो मुझे भरना पड़ता है। तो भाई दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6। अभी वेदों की मालिश के लिए मैं तेल गरम लेके आई हूँ, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के। वेदो यहाँ पे लगा हुआ है खेलने पे, तो सुबह उड़ गया था ये 5 बजे को, उस टाइम से बातें करने पे लगा हुआ है, मतलब हुंगरा भरने पे लगा हुआ है। हैं वेदू, ए मुशी, बाकी इसी तरीके से रहता है। तो सुबह सुबह हमारी नींद थोड़ा जल्दी खुल जाती है इसके चक्कर में। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मिलते हैं नाश्ते के साथ, ठीक है? सबसे पहले ना चाय रख देते हैं और आटा गूंद देते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए जी, रोटियां भी बन चुकी हैं यहाँ पर। रात की सब्जी थोड़ा कम थी तो थोड़ी सी मैंने मैक्रोनी भिगो दी है और रोटियां भी बन चुकी हैं यहाँ पर। घी था जो कल आने के लिए बहुत टाइम से रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसको भी गला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोस्तों नाश्ता सिर्फ बनाया है, करा नहीं मैंने, काफी सारा काम हो रहा था आज किचन में। थोड़ा सा घी वगैरह गलाने के लिए भी था, वो मैंने गला के रखा है। फिलहाल मैं आ रखी हूँ बाथरूम में, यहाँ पे कपड़े हो रहे थे सासू जी के, देवर जी के और बाबू के, तो वो धोती हूँ। और थोड़ी देर में पुप सासू जी भी आने वाले हैं आज, तो उन्हीं के साथ करते हैं नाश्ता। तो भाई दोस्तों, ये रहा सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का। अभी सिर्फ मैंने बाबू के कपड़े धो के यहाँ पे डाले हुए हैं, बाकी मैंने निर्मय मैंने भिगो के भिगोने के लिए रखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए जी, एक नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना प्यार बता, नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से हो रही है। नाश्ता पानी सिर्फ बनाया है, करा नहीं है मैंने, क्योंकि पूसा सोजे आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ करते हैं। बाकी वेदू तो अभी मजे से सो रखा है पीछे, मैंने इसके कपड़े वगैरह धुले, बर्तन वगैरह धुले, अभी नाश्ता नहीं करा है। बाकी लोग खेत में चले गए हैं, मेरी जिम्मेदारी है वेदू को देखना, और घर के बहुत सारे काम होते हैं। मेरी इच्छा तो थी कि मैं इससे अच्छा खेतों का ही काम कर लेती, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा काम होता है, घिचड़ पचड़ घचड़ पचड़ होता है। बाकी इन घर के कामों का तो गिनती में कुछ भी नहीं आता है, जो भी खेत से आता है वो होता है अरे घर पे ही थी, तो घर पे मेरे क्या हाल हो रहा है मैं ही जानती हूँ। कोई बात नहीं, बाकी काफी सारे लड़कियां होंगी जो घर पे रहती हैं, तो उनको घर का हाल पता होगा किस तरीके से घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन गिनती में 1% भी नहीं आता है ना। जिसको आता है वो कमेंट करें जिसको ऐसा होता है। बाकी बाहर का मौसम दिखाते हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए जी दोस्तों, मेरे पुप सासू जी भी आ चुके हैं। हेलो बोल दो पुप सासू जी। हेलो, ठीक ठाक हो हैं? ठीक है। पुप सासू मैम सोरा जी ठीक हैं? ठीक है, सब ठीक है। तो जो मामा ससुर जी हैं वो फिर से इन्होंने अकेले छोड़ दिए घर में, छोड़ दिए छोड़ दिए, ये आए हैं अपने क्या क्या हुआ ये नाती ना यू क्या हुआ नाती नाती को देखने आए ना। अच्छा तो जो भतीजा, हम भतीजा और भतीजे की बहू हो गए, तो वो है नाती, मतलब तो गढ़वाली भाषा में नतूर बोलते हैं, उससे आगे बोले सुराली नहीं होती, तो उनसे देखने आए हैं। ये वीडियो कॉल पर भी बात करी थी, अब तो हमारी याद नहीं, अब तो वेदू की याद आएगी इनको, है ना? अब वेदू याद होंगी। तो चलिए जी, थोड़ा नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। अब इसके पास वेदू के पास रहेंगे पोप सासू जी, छोटी मोटी धान जो है वो मैंने उतारा है, ठीक है? तो मैं टाटा। तो चलिए जी, पोप सासू जी और देवर जी चले गए हैं खेत की तरफ चाय ले जाके। मैं बना रही हूँ खाना, दाल रखी हुई है,
चावल तो पक चुके हैं, बाकी प्याज टमाटर काट देती हूँ। तब तक वेदू सो रखा है, मजे से सो रखा हुआ। अभी मैं उसकी सलवार चेंज करने गई थी तो मजे से सो रखा है। तब तक मैं खाना बना देती हूँ। आज धूप तो है नहीं, उसको उगाल लगाना था, धूप तो है नहीं, गर्म तेल से ना उसकी मालिश कर देंगे। तो भाई दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है, वेदू को मैंने ना सासू जी के पास छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना घास निकालने के लिए आई हूँ। आज मैंने स्टैंड नहीं ला रखा है, इसलिए घास की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल मैं यहाँ का मौसम बता देती हूँ। तो ये रहा भाई दोस्तों शाम का मौसम कुछ इस तरीके का। और यहाँ नीचे साइड की पूरी लवाई कटाई हो चुकी है, पीछे साइड सुबह से ना बादल ही छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं थी आज। इसीलिए हमने वेदू को तेल भी मालिश वगैरह अंदर ही की। बाकी यहाँ से मुझे सब घास निकाल के उसमें बांध देनी है, यानी कि भारी लगा के रख देनी है। तो सासू जी ले जाएंगे उसको। वैसे दोस्तों शाम के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं गौशाला की तरफ। सासू जी ने भैंस बाहर निकाल के देना है और उसके बाद ये जा रहेंगे झंगोरे की कटाई करने, यानी कि झंगोरे की जो बालियां हैं उनको काटने के लिए। तो मैं कल भी परसों भी आई थी, लेकिन भैंस को ना बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पहले मतलब 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने तब से तब आई नहीं, मैं देखा नहीं मैंने उसको। तो उसके बाद अभी आऊँगी मैं, मतलब 2-3 ही दिन हुए, तो डर लग रहा है कि अचानक से भाग ना जाए। और पहले उसको पीछे साइड निकालते थे, अभी साइड निकाल रहे हैं, तो उसका ना भागने का डर रहता है और तब थोड़ा डर भी लग रहा है। तो भाई 3:30 का टाइम हो रहा है वेदू के पास, थोड़ा सा वेदू के चाचा जी थे वहाँ पे तो छोड़ दिया हमने। बाकी यहाँ से मैं भैंस को नहलाऊंगी और सासू जी ना बाहर निकाल के देंगे। ओ तो भाई ये रहा फुकान सिंह और सासू जी के घुटनों में दर्द होता है, वो आराम से चलते हैं, लेकिन भैंस इतनी तेज़ी से भागता है बाहर। इनके साथ तो थोड़ा आराम से आता है, लेकिन हमें आदत नहीं है, तो हमारे साथ बहुत ही जल्दी आता है वो, और डर भी लग रहा है। बाकी इस टाइम पे अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि सारे लोगों का जो ध्यान है वो खेतों की ही तरफ है। तो भाई फुकान सिंह की जो पानी पीने की आदत है वो काफी ज्यादा स्लो है, मतलब आप बहुत आराम से वो पानी पूनी पीता है। से आने के बाद वेदू को मैंने सुला दिया है और अभी मैं थोड़ा सा घास निकालती हूँ। आज सुबह से फुकान सिंह ना बिल्कुल सूखे सूखे में चल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा घास लेके चलते हैं। घास निकाल के कुछ मैंने गौशाला भैंस को दे दिया था, क्योंकि भैंस ना आज भूखी थी, और कुछ निकाल के मैंने यहीं पे रखा हुआ है, उसको लेके जाएंगे सासू जी। बाकी यहाँ पे आए मैं और हमारे वेदांत सिंह मजे से यहाँ पे बातें करने पे लगे हैं। हाँ वेदू, ए नाना, आ, 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 बाकी वेदू के साथ यहाँ पे आने का अलग ही मजा रहता है। उसको नींद आ रही थोड़ा 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 करके, यहाँ देखो नींद आ रही फिर उठ रहा, नींद आ रही फिर उठ रहा। बाकी उसके लिए ना मैंने इधर उधर से तकिए वगैरह गद्दा वगैरह रखा हुआ है, नीचे रख रहा है और कमर ऊपर उठा रहा है और पीछे खिसक रहा है, तो उसका सर लगने का ना डर है, तो उसके लिए पीछे से तकिया वगैरह लगा रखे हैं। बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो भाई दोस्तों अभी हो रहा है रात का टाइम, खाना पीना खा के अभी जस्ट अपने रूम पे आई हूँ, और जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं वैसे आपकी रेखा ब्लॉगर के पास। यहाँ एक रजिस्टर है,
जो मुझे भरना पड़ता है। अभी तो फर्स्ट बार है मेरा, लेकिन आज से ये भी जिम्मेदारी आ गई है मेरे पास। हमारा एक समूह बना रखा है, उसका रजिस्टर है जिसको भरना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन ये भी भरना पड़ता है, तो वो भर देती हूँ। और उसके बाद इसी के साथ हम लोग ना ब्लॉगिंग की एंडिंग भी करेंगे, इसी पे ब्लॉग को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का जो दिनचर्या थी वो यही थी, यहीं तक थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रजिस्टर बताती हूँ क्या क्या भरना पड़ता है। ये रहा भाई हमारा रजिस्टर, और इसमें मैंने आधा काम तो कर दिया है, आधा दीदी लोगों ने कर दिया था, लेकिन आधा काम मेरे पास है। यहाँ से नाम वगैरह भरने हैं, और मेरी राइटिंग देखिए कितनी सुंदर है, ओ अपनी ही तारीफ कर दी मैंने। और यहाँ से कुछ दीदी लोगों ने भरा हुआ था, तो कुछ मैंने भरना है। अब थोड़ा बहुत काम रह गया है, इसको निपटाते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं।